देश भर में नवरात्रि की गूंज दिखाई दे रही है। हर तरफ जय माता के नारे सुनाई दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि आने पर पूरे देश में गरबा, माता की चौकी, माता की मूर्तियां स्थापित की जाती है और लोग भक्तिभाव से भर जाते हैं। ऐसा ही दशहरा देखने को मिला दिल्ली के द्वारका में, जहां नवरात्रि के शुभ अवसर पर रक्षा द सेवियर और दुर्गा शब्द शक्ति फाउंडेशन द्वारा माता की चौकी में दुर्गा पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस शानदार आयोजन में द्वारका के सभी महिलाओं ने दुर्गा सप्त शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह के साथ जमकर नृत्य किया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माता के जयकारों के साथ माता की चौकी की स्थापना की गई। माता की चौकी की स्थापना रक्षा द सेवियर की संस्थापिका इंदू राजपूत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजना सिन्हा, दुर्गा सप्त शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह और भारत तिब्बत समन्वय संघ की उत्तर भारत क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रोमिला मलिक के सहयोग से की गई। आपको बता दें कि दुर्गा सप्त शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह लगातार सामाजिक कार्य करती आ रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और द्वारका पुलिस के साथ मिलकर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान भी चलाया था और द्वारका की सड़कों को स्वच्छ बनाया था। वही साथ ही साथ संध्या सिंह अपने एनजीओ के तहत बच्चों को शिक्षा देने का भी नेक कार्य करी है, जिसके लिए उन्हें अभी तक कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। जब हमारी टीम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं से चर्चा की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। रक्षा द सेवियर ने बहुत अच्छा काम किया है। इंदू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है जहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो बहुत ज़रूरी आज की महिलाओं को, आज की बच्चियों को, और मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें बच्चों को आके सीखनी चाहिए। सुबह के समय ये रखा गया है और उसके बाद जो प्योर गुजराती गरबा, जो गरबा का मतलब होता है मेन, कि गरबा गुजरात का ही फेमस होता है, ना वो बॉलीवुड होता है ना वो होता है, पर वो गुजरात का गरबा इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। और मैं अंजना जी और इंदू जी का को बहुत बहुत शुभकामना दूंगी और आप सभी को भी नवरात्रि की शुभकामना देना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि माता की चौकी तो करनी है, पर इससे बेस्ट जगह नहीं हो सकती जहाँ पर महिलाओं को एकत्रित किया जाए। माता की चौकी में तमाम महिलाओं ने गरबे की जैसे और उस पर कीर्तन पर जो भजन कीर्तन पर जो नृत्य किया है, कैसा लगा आयोजन में आपको? बहुत मनमोहक था, बहुत अच्छा आयोजन था और पूनम जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, बहुत अच्छा कीर्तन किया। और सबसे पहले मुझे सबसे खुशी हुई कि हम जो पॉल्यूशन को हटाने की बातें करते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है कि इन्होंने जो मूर्ति लगाई हुई है वो इको फ्रेंडली है और ऐसी मूर्तियाँ ही हर किसी को लगानी चाहिए पूजा में। और हमारे यहाँ तो कारीगर भी हमें यहाँ पे उपलब्ध है, तो उनसे इंदू जी से बात करके मूर्तियाँ लेनी चाहिए कि कहाँ से वो मंगाती हैं मूर्तियाँ। बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत अलग तरह की मूर्ति है जो देखने की मतलब उसकी छाया जो होती है ना, इतनी देर से मैं जो बैठी हुई हूँ तो उनकी तरफ जो आकर्षित हो रही हूँ कि वो अलग ही चीज़ है, मूर्ति ही नहीं है, वो देवी माँ खुद से विराजमान हो गई है। NBC न्यूज के लिए दिल्ली द्वारका से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार, मौत का कुआं, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञान वर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क
सामने डोर पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास नागपुर।